हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बता दूं कि कल शाम को ही मेरा दोस्त आया था। कल रात को वो जा रहा था कहीं और अपने रूम से उधर गिंडी तरफ। गिंडी बोले तो एक हाफ एन 45 मिनट 1 घंटे का रास्ता है उसके रूम से, और हमारे यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। हमारे होटल में आप पहुंचने के लिए 10 मिनट उसका लगता है, और उधर जा रहा था खाने के लिए। तो उसका दिमाग में क्या आया कि भाई जाएंगे अपना दोस्त के पास तो दारू भी मिलेगा, उधर जाके तो दारू भी नहीं मिलेगा। वो आ गया सीधा मेरे पास, फोन किया, भाई आ रहा हूँ। बोला आ जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अपना होटल है, जब मन करे तब आ जाने का। आया भाई, 2-3 लार्ज पिलाया उसको, 2-3 लार्ज पिलाया। चेकिंग भी चल रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेगा, उतना टेंशन नहीं लेने का। भाई मैं हूँ, जब मैं खड़ा हूँ तो भाई अच्छा खासा पुलिस वाला भी नहीं पकड़ पाया कि दारू पिया नहीं पिया है। तो वहाँ टेंशन मत ले। आया भाई, पिया और एक पैकेट सिगरेट भी पिया। गांडू आदमी, वो सिगरेट का पैसा खोज रहा है अभी तक हमसे। भाई सिगरेट का पैसा क्यों नहीं दिया वो आदमी जिसे लिया है, खोज रहा है। मैं बोला भाड़ में जा तेरा सिगरेट विगरेट। और आया, खाया, पिया, अच्छा लगा। मेरा दोस्त ही है, क्लासमेट ही, जिसके पास ही जाता हूँ DLF में। मेरा दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है। उसको मना नहीं कर सकता। आया, बैठा, खाना वाना खाया, ज़्यादा भी नहीं खाया, अंडा और रोटी खाया और एक मिक्स वेज करी खाया। मैं बोला ज़्यादा यही चल रहा है? बोलता है नवरात्र चल रहा है। मुझे अच्छा है, नवरात्रि बनाओ। तो नवरात्र चला तो दारू क्यों पी रहा है? बोलता आदत से मजबूर हूँ, अगर एक पैक ना पियो 2 दिन तक तो चलो अंदर से आवाज आता है, जिंदा हो कि मर गए। बोले ठीक है, लो भाई जिंदा है कि मर गया, लो अंदर से ही मार लो, संतुष्ट कर लो भाई। तो 2-3 लार्ज पिलाया, मस्त हो गया। फिर रात को क्लोज व्लोज करके मैं भी चलाया अपना रूम पे और उसको भी भेज दिया। बोलता है नींद आ रहा है। मैं बोला नींद आ रहा है घंटा, चलो काम धाम तो है नहीं, उसका भी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब शायद जाने वाला है गुवाहाटी, जाएंगे एक बार भी मैं भी, क्योंकि बहुत साल पहले गया था, मान के चलो तो 16-17 साल पहले गया था गुवाहाटी। तो वो जाएगा तो वहाँ पर रहेगा, तो मैं भी चला जाएगा उधर 2-3 बार, क्योंकि उधर का थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का बोले तो अभी उतना गंभीर मामला भी नहीं है, और मौसम वेदर सारा चीज़ उधर में मस्त है, हरियाली अच्छा खासा है। इधर में तो पूरा सूखा सूखा है। इधर में भी झाड़ पाड़ है, पेड़ झाड़ वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इतना गर्मी रहता है कि बता नहीं सकता हूँ। तो कभी गया भी नहीं है ठंडी में। पिछले साल था, हाँ पिछले साल जब लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन लगा तो वहीं पे था, छत्तीसगढ़ में था, ठंडी का मौसम में था, क्योंकि इधर में तो पूरा लॉकडाउन था, अलाउड भी नहीं कर रहा था, मेरा होटल भी बंद था। तो खुल गया इधर ही है, इधर में तो हो गया 15-16 साल हो ही गया है, गर्मी का एहसास ले रहा हूँ, गर्मी का मजा ले रहा हूँ। तो बोला कि आओ, बोले चलो, पहले जाओ तो सही, एडजस्ट हो जाओ, सेटल आउट हो जाओ, तब आएंगे भाई अपना। उधर में थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, खाने पीने का भी मस्त रहेगा, और पीने में तो मजा आएगा भाई। थोड़ा सा यहाँ भी AC में थोड़ा पीने का मजा आता है, लेकिन थोड़ा गर्मी में उतना नहीं चल पाता, उतना घुस नहीं पाता अंदर तक। लेकिन हाँ थोड़ा ठंडी में मान के चलो हाफ पूते तो 1-3 क्वार्टर मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला जाएगा। तो मैं तो फुल पीने वाला आदमी, 1.5 पहुंचा देगा। तो चलो देखते हैं, दिसंबर ना तो जनवरी में जाने का प्रोग्राम करेंगे, अगर वो वहाँ पे सेटल हो जाता है तो, क्योंकि फिर हमको भी घर जाने का है मई में, और मई में घर जाएंगे तो घर उर भी रेडी करेंगे। तो फिलहाल अभी बहुत व्यस्त हूँ लाइफ में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।